नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। अन्नपूर्णा योजना के तहत एनआईटी 1 में राशन बांटा जा रहा है, तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि राशन फ्री में दिया जा रहा है कि अभी पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, फ्री में दिया जा रहा है। तो मैम, राशन टाइम पे मिलता है? हाँ जी, मिल रहा है टाइम पे। तो कितना महीने में कितनी बार मिलता है? दो बार मिलता है। तो मैम, कितने मेंबर्स का मिलता है? तीन मेंबर हैं, तीन मेंबर का तीनों मिलता है। हाँ जी, ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको टाइम पे राशन मिल रहा है? हाँ जी, टाइम पे मिलता है। तो मैम, ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं, कई बार टाइम पे नहीं दिया जाता? नहीं नहीं, टाइम पे ही आ जाता है। और पूरा मिलता है राशन? पूरा मिलता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि काट के देते हैं? नहीं नहीं, पूरा ना दिया है? पूरा दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है आज मीडिया में आपको हाँ बोल? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। तो जैसे कि आपने सुना, हमने दो महिलाओं से बात करी और उन्होंने बताया कि राशन पूरा दिया जा रहा है और टाइम से दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, राशन टाइम पे दिया जा रहा है? हाँ, राशन टाइम से दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि देरी की जाती है राशन में, राशन कम दिया जाता है? नहीं नहीं, देरी नहीं की तो जाती। सर, कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में? हमारे तीन मेंबर हैं। तो तीनों मेंबर्स का राशन प्रॉपर दिया जा रहा है? मिल रहा है। तो कितना राशन दिया जाता है सर? महीने में जो मिलता है 5 किलो जो गेहूँ मिलती है पर मेंबर, एक मेंबर के हिसाब से सब। तो चलिए यहाँ के डिपो होल्डर से बात करते हैं। प्रधान हूँ, वेलफेयर से जी, प्रधान हूँ जी। तो सर, क्या टाइम पे दिया जा रहा है राशन लोगों को? अभी तक तो इस पर डिपो ही कोई कंप्लेंट नहीं है। ये बहुत अच्छा लड़का है नवीन भाटिया जी, दीपिका भाटी के नाम से डिपो, इनके नाम से इशू है। ये हमेशा टाइम पे देता है और ये पहला एक डिपो है हमारे ऐसे वार्ड नंबर 12 के अंदर, ऐसा डिपो है जो 12 घंटे क्या मतलब हमेशा 12 में मिलता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जैसे मतलब कभी टाइम पीरियड से मिलता है, ये हमेशा खुला रहता है डिपो मिलता है। कोरोना का टाइम चल रहा है सर, किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है? नियमों का पूर्ण प्रॉपर पालन किया गया, मास्क लगा के, दूरी लगा के। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी से आपके चक्कर में आया हूँ, इस चक्कर में मास्क लगा के, उसके लिए मैं सॉरी। चलिए यहाँ के डिपो होल्डर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से अपना परिचय दें। मैडम, मेरा नाम है नवीन भाटिया और ये राशन डिपो हमारे छोटे भाभी किसी के नाम पे है और जिसको डिपो में डिपो संचालन हम खुद करते हैं। तो वो तो जो थोड़े घर में रहती हैं। बाकी यहाँ पे सरकार की तरफ से 10 किलो राशन पर हेड आ रहा है जो इनको दो बार में वितरण किया जा रहा है। एक बार तो हम पैसे ले रहे हैं जिनसे 2 रुपये किलो पैसे लिए जा रहे हैं। जो अब 18 तारीख से जो हमारी अन्नपूर्णा योजना जो मोदी जी खट्टर साहब का प्रोग्राम है उसके तहत इनको राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और जो राशन दिया जा रहा है इनको गवर्नमेंट के थैलों में दिया जा रहा है। अच्छा। जो हमें थैले हाँ जी भरजाई ये थैले इनके और जिनके भी ये कार्ड हैं वाइट कार्ड हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जा रहा है। और सर, जिनके नहीं है कार्ड मतलब सर, उनके तरफ से अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिली। तो जैसे भी कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है हमें उसके अकॉर्डिंग हम काम किया जाएगा। और सर, कोरोना काल चल रहा है, नियमों का किस तरीके से पालन किया जा रहा है? मैडम, नियमों का अभी तक तो पालन किया जा रहा था लेकिन अब अचानक बारिश आने की वजह से ना तो लोगों में थोड़ी हड़बड़ ना मचे, इसलिए मैंने ना जहाँ भी जगह मिल के वहीं पे उनका लोगों को राशन प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि दोबारा चक्कर ना लगे इनका। प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? मैडम, टोटल 101% ये मास्क अभी भी मैंने अभी उतारा क्योंकि गीला हो गया था तो अभी उतारा गया मेरे जेब से। तो जैसे हमने यहाँ के डिपो होल्डर भाटिया जी से बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, साथ ही सरकार के द्वारा जो थैले आए हैं उनमें राशन दिया जा रहा है।